हम पहले इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे जितनी भी बीएल स्टोरीज हैं वो मैं सारी कंप्लीट करूंगी, और साथ ही प्लीज आप पेशेंस रखें, ये वाली जो स्टोरी है करंट वन वो बहुत लंबी है, इसीलिए मैं कई बार दूसरे वीडियोस भी अपलोड करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम देना पड़ता है इस वाले वीडियो को बनाने के लिए। तो जजेस जो हैं वो एक स्क्रिप्ट देख रहे होते हैं जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं, और जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्रीज सा हो जाता है, और तभी ही जो है वो बहुत नर्वस हो रहा होता है और वो समझ में नहीं आता उसे कि वो क्या करे। तभी वो झुकता है और बोलता है जजेस से कि मुझे माफ करें, मैंने आपका टाइम बर्बाद कर दिया। तभी ली करके एक जज होता है जो उसे पानी देता है और बोलता है कि आप पानी पीजिए यंग मैन, और अपना नर्वसनेस को दूर कीजिए, हम वेट करेंगे। और तभी वहां दिखाते हैं कि ये जो बूढ़े अंकल थे वो बहुत ही बड़े स्टार थे जिन्होंने बेस्ट मूवीज दी हैं, और अंकल बोलते हैं कि तुम एक बार और ट्राई करो। वी को लगता है कि हाँ वो उसे ट्राई करना चाहिए और वो उसे जरूर ट्राई करेगा, और तभी वी सब कुछ अपना याद करता है और बोलने लगता है जो स्क्रिप्ट में था। जो ओल्ड मैन है अंकल ली, वो देखते हैं कि लड़का अच्छा काम कर रहा है, और तभी उसको स्क्रिप्ट की किताब भी देते हैं और बोलते हैं तुम इसे अच्छे से पढ़ो। तभी कॉल आता है और वो उसे देखता है और ये सोचता है ठीक है, और ये हमारे सीईओ सोचते हैं कि ये कर सकता है, हमें मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सीईओ की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या बोलना चाहता है सीईओ। तो सीईओ बोल रहा होता है कि यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो करके, और सीईओ अब निश्चिंत हो जाता है कि ये जो है वो आखिरकार कर ही लेगा। तभी सीईओ का मैसेज आता है कि तुम मेरा बाहर वेट करना, हम साथ में जाएंगे। लड़की आती है ली जैंग ली, और वो सोचती है कि ये वाला रोल तो उसे मिल ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तभी वो बोलती है कि इसे शायद सपोर्टिंग रोल मिलेगा। लीली सोचती है कि अब उसे कोई भी बड़ा स्टार बनने से नहीं रोक सकता। तभी यी को कुछ आवाजें आती हैं और वो सोचता है कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है, और वो देखता है कि ये आवाजें जो है लिफ्ट की तरफ से आ रही हैं। यी देखता है कि बाहर जितने भी लोग खड़े हैं वहां पर एक फाइट हो रहा है रोल को लेके, और ये जो रोल है वो लीली को चाहिए और उसका रोल किसी और लड़की ने चुरा लिया है, क्योंकि ये रोल युहान अपने लिए किसी भी तरह लेना चाहती है। तो जैन लीली बोलती है कि तुम्हें किसने कहा ये रोल तुम्हारा ही होगा, क्या तुम्हें असिस्टेंट ने कहा, गया डायरेक्टर ने कहा, ये रोल मेरा है और ये रोल मुझे ही मिलेगा। ही इन लड़कियों की लड़ाई को देखता है और सोचता है कि मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए और ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि मैंने इन्हें देखा ही नहीं। लेकिन इससे पहले वो कहीं अपने आप को छुपा पाता या जा पाता, उतनी देर में तो ये तीनों लड़कियां उसे देख ही लेती हैं कि वो कैसे छुप छुप के जा रहा है। तभी जैन लीली को लगता है कि शायद ये उनको कुछ उसके रोल के बारे में पता होगा, और वो पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि ये रोल मेरा है कि नहीं, और यदि नहीं है तो इन सब की वजह तुम ही होगे। तभी ये बोलता है कि इन सब चीजों का मेरे से क्या लेना देना है। तभी पीछे से सीईओ आता है अचानक और ये के कंधे पे हाथ रखता है और जैन लीली को बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो और तुम क्या चाहती हो कि ये तुम्हें बोले। सीईओ ये भी कहता है कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, जरा मुझे बताना, मैं भी तो सुनूं। तभी ये धीरे से पूछता है सीईओ को कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था मीटिंग में। तभी याहू वहां पर बोलने लगती है कि सीईओ आप क्या मेरे लिए फैसला करेंगे और जज बनेंगे, इन लोगों ने मेरा रोल ले लिया और मुझे काम नहीं देना चाहते। तभी लीली को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है कि हमने इसका रोल नहीं लिया है, लेकिन ये जो है वो किसी को धमकी दे रही थी कि यदि उन्होंने रोल नहीं दिया तो मिस्टर बाइक को कंप्लेन करेंगे। ये को लगता है कि ये सब जो सिचुएशन हो रही है इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, और तभी सीईओ यी के कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है लेट्स गो होम, अब हमें घर जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो घर जा सके तभी याहो के मन में विचार आता है कि शायद सीईओ और यी एक दूसरे को पसंद करते हैं और शायद वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लीली अपना सारा ब्लेम यी के ऊपर ही मर देती है, ये सोच के कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है उस सब की वजह यी है। तभी यी बोलता है कि सब चीजों का ब्लेम मुझ पर देना बंद करो। सीईओ को भी बड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो फिर भी ई के साथ ही खड़ा रहता है और सुनता है, और तभी वो बोलता है अब तो आखिरकार हमें घर जाना ही चाहिए, और कह के वो लोग घर जाने की तैयारी में होते हैं। तभी याहो को लगता है कि कुछ चीजें गड़बड़ है,
यी घर पहुंचता है तो रूरू वहां पर बैठा होता है और रूरू पूछता है कि यी आज तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। तभी यी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ठीक से ऑडिशन दिया है। तभी रूरू बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा करोगे। यी अपने मन में सोच रहा होता है कि आज जैसा भी उसने ऑडिशन दिया वो बिल्कुल भी एक प्रोफेशनल की तरह ऑडिशन नहीं दिया है। और तभी उसे याद आता है कि ऑडिशन से पहले कैसे सीईओ दूसरी लड़कियों के साथ बात कर रहा था, और ये सोच के उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तभी यी का फोन बजता है और फोन वो उठाता है। ये फोन ऑडिशन के यहाँ से ही होता है, लेकिन ऑडिशन वाले कुछ बोले उससे पहले यी बोलने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि मैंने ऑडिशन ठीक से नहीं दिया था, तो मुझे इससे कोई ज्यादा होप भी नहीं है कि मुझे ये रोल मिलेगा। यी बिना कुछ सोचे समझे उन्हें कहते हैं कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया इसलिए गुड बाय। तभी वहां से दूसरा आदमी बोलता है नहीं रुको, और वो यी देखता है कि वो जो है ऑडिशन में पास हो गया। वो आदमी बोलता है कि आप ऑडिशन में पास हो गए। यी पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। रूरू को समझ में नहीं आता कि आखिरकार यी को क्या हो गया है, और यी एकदम अपराइट होके बैठ जाता है और फोन में देखने लगता है, इंतजार करने लगता है और वापस कॉलिंग करने की कोशिश करता है और कॉल करके वो सुनता है। और जो रूरू है वो अपना डकी लेके आता है और बोलता है बताइए हो तुम्हें ये रोल मिल गया है। और वो देखता है कि ये जो है उसने अपना एग्जाम पास कर लिया है। और तभी रूरू जो है अपनी डकी जो है उसको यी को गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मोमो मिस्टर ली से बात कर रहे होते हैं, और जो मिस्टर ली है वो मोमो के रिश्तेदारी हैं। और वो बताता है कि मुझे लगा था कि आप यी के ऊपर मतलब लुक डाउन करेंगे, उसे नीचा देखेंगे करके, और यदि आप नहीं भी उसे देते तो मैं उसे ट्रेवल वाला रोल देने ही वाला था करके मोमो ऐसा उस ओल्ड मैन को बताता है। दूसरी तरफ यी का मैनेजर यी को देखता है और बोलता है मुझे पता था कि तुम कर लोगे, और बहुत खुश होता है और यी को अपने गले लगाना चाहता है। और फिर वो दोनों इमेजिन करते हैं कि वो लोग स्पेस ट्रेवल नाम की सीरीज में स्पेस में ट्रेवल करेंगे करके। और यी भी स्क्रिप्ट को हाथ में लेके बहुत सोचता है कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यी घर आता है और घर आने के बाद अपनी पैकिंग करता है। सीईओ उसे याद दिलाता है कि वो जो ताबीज उसे ग्रैंडफादर ने बना के दिया था उसे वो ले जाना ना भूले। और तभी रूरू पूछता है कि आखिरकार 2 महीने में कितने दिन होते हैं जो तुम 2 महीने के लिए बाहर जा रहे हो। तभी यी को एहसास होता है कि वो अपनी खुशी में इतना ज्यादा हो गया था कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि रूरू को अकेले छोड़ के जाना भी एक प्रॉब्लम है। ये सोचता है कि मैं 2 महीने ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इन 2 महीने में रूरू को कौन देखेगा। रूरू और सीईओ यी के रिएक्शन को देख रहे होते हैं। तभी अचानक से यी कुछ और ही सोचने लगता है। वो सोचता है कि यदि मैं चला जाऊंगा तो हो सकता है सीईओ रूरू को बैडली ट्रीट करने लगेगा और अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। ये इमेजिनेशन करने लगता है कि सीईओ बोलेगा कि मैं पोर्क खाना ज्यादा पसंद करूंगा बनिस्बत रूरू को अपने पास रखने के। और वो ये भी सोचता है कि रूरू की जो स्टोरी है वो एक सिंड्रेला जैसी स्टोरी में बदल जाएगी। वो सोचता है कि फिर रूरू दुखी हो जाएगा और रूरू ऐसा सोचेगा कि उसे पॉर्क खाने नहीं दिया जाएगा। ये सोचता है कि सीओ शायद रूरू को खाना नहीं देगा और बोलेगा मिरर में देखो कि तुम कितने मोटे हो गए, और कुछ रूखा सूखा चावल देगा और कहेगा कि ये खाओ जिससे तुम पतले भी हो। ये भी सोचता है कि शायद सीओ रूरू इतना फैट है तो कहीं उसे सूप में कन्वर्ट करके खा ना जाए। ये सीओ से पूछता है कि तुम रूरू का ठीक से ख्याल रखोगे ना। तो सीईओ बोलता है ऑफ कोर्स मैं रूरू का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सच में ही रूरू का अच्छे से ख्याल रखोगे। ये सीईओ को धमकी देता है कि वो उसके ऊपर चेक रखेगा और वो ये भी देखेगा कि कहीं वो रूरू को बेच ना दे। सीईओ रूरू को यी की गोद में देते हुए कहता है कि यी रूरू कह रहा था कि वो अपने फ्रेंड्स को बहुत ही मिस कर रहा था जो उसके किंडरगार्टन के हैं, तो जब तुम्हारा शूटिंग चालू हो जाएगा तो मैं रूरू को उसके फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए उसे भेजूंगा। सीईओ ये भी बताता है कि रूरू जो है अब घर से ही पढ़ाई करेगा थर्सडे और फ्राइडे को, और साथ में उसके जो टीचर्स हैं और मेड्स हैं वो मुझे इसके कंडीशन के बारे में डे टू डे और टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते रहेंगे, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सैटरडे और संडे की बात रही तो मैं इन 2 दिनों में रूरू को खुद ही देखभाल करूंगा अपने आप से। तभी रूरू को अचानक मोमो की याद आती है और वो बोलता है कि वो मोमो के साथ भी खेलना चाहता है, इसीलिए वो मोमो के साथ भी गेम्स खेलेगा। ये सोचता है कि यदि मोमो के साथ रूरू खेलेगा
तो मोमो कैसे काम करेगा? तभी सीईओ बताता है कि मोमो के पास बहुत सारे वर्कर्स हैं जो उसके लिए दिन रात काम करते हैं, और मोमो के पास बहुत सारा टाइम है, तो उसे इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी ये सीईओ को बताता है रूरू की तरफ देख के कि पहले जब मैं शूटिंग पे जाता था तो मेरे पेरेंट्स रूरू को देखते थे, और मेरे शूटिंग में जो सीन होते थे वहां के लोग भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, और वो मुझे हफ्ते में 2 बार रूरू को देखने घर आने देते थे। तभी सीईओ बोलता है कि पहले हमको डिनर करना चाहिए, उसके बाद हम तुम्हारी पैकिंग को दोबारा करेंगे। तो यी बोलता है ओके, हम पहले डिनर करेंगे और फिर पैकिंग करेंगे। यी और रूरू बड़े खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें कुछ पीने के लिए भी मिल गए। यी को वाइन चाहिए होती है और रूरू को एज यूजल जूस मिलता है पीने के लिए। सीईओ और यी अपना ग्लास वाइन का चीयर्स करते हैं, और साथ में रूरू अपना मैंगो जूस शेयर करता है। थोड़ा पीने के बाद ही और मांगने लगता है और बोलता है उसे और चाहिए, और साथ में अपने सिर पे भी ढोलने लगता है, उसे कुछ सुध बुध नहीं रहती। और तभी वो सीईओ का पैर पकड़ लेता है और बहुत सारी बातें बोलने लगता है। सीईओ ये देखता है कि ये उसके पैरों पे कैसे लटका हुआ है, और बोलता है कि मुझे रूरू को अपने कमरे में भेजने की जरूरत है, क्योंकि रूरू टेबल पे बैठे बैठे ही सो गया होता है। ये सीईओ का पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगता है कि तुम एक बहुत ही बुरे आदमी हो और रूरू जो है वो मेरा है। सीईओ सोचता है कि ये कितना क्यूट है। ये नींद में बड़बड़ा रहा होता है, तो सीईओ भी बोलता है कि ठीक है तुम एक अच्छा जॉब करोगे और तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात बहुत गहरी होती चली जाती है, इतनी गहरी होती चली जाती है कि हमारे सीईओ की तो नींद के मारे बुरा हाल होता है, लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि ये कभी इधर करवट बदलता है कभी उधर करवट बदलता है, और रूरू भी उल्टा सो रहा होता है। ये नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि उसे रोल मिल गया है, क्या ये फेक है? तभी सीईओ ये का हाथ पकड़ता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। रूरू को सुसु आ रही होती है और वो बिस्तर में ही स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी सीईओ ये देखता है और बोलता है रूरू होल्ड करो, वेट करो, और तभी रूरू बोलता है कि वो होल्ड नहीं कर सकता है। रूरू बहुत गहरी नींद में होता है, तब भी सीईओ बोलता है कि अरे रुको रुको, हम टॉयलेट जाएंगे और वहां जाके सुसु करेंगे। सीईओ रूरू को वापस बिस्तर में लेके आता है और उसे यी और अपने बीच में रखता है और बोलता है ठीक है अब वापस तुम सो सकते हो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वाई अपना कुछ सामान ले जाती है और शॉप में बेचती है। वाई सोचती है कि जो सारी चीजें उसे सीईओ ने दिलाई थी अब उसे वो बेचनी पड़ रही है, क्योंकि वो अपने डेली के खर्चे जो है वो निकाल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक लड़की जो बहुत ही फेमस स्टार है वो न्यूज पढ़ रही होती है कि ही उनको रोल मिला है, और वो ये भी सोचती है कि ये उसी का कजन ही नहीं है क्या जो पहले खो गया था। सीईओ यी और रूरू अब निकल पड़ते हैं और अपना लगेज वगैरह सब पैक करके पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें शूटिंग लोकेशन पे पहुंचना होता है। रूरू को वहां पर एक बैग मिलता है जिसमें उसे अपनी डकी को रखना होता है, और वो बोलता है कि यह बैग इतना छोटा है कि इसमें तो उसकी डकी भी नहीं आ रही है। तभी मैनेजर आता है और बोलता है कि रूरू अपनी डकी को लेके नहीं आ सकता है शूटिंग साइट पे। ये रूरू को समझाता है कि ये बैग जो है वो टाइनी जरूर है, तो तुम इसे बाद में कार में रख सकते हो, और वैसे भी तुम इसके आगे मेरे साथ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी। सीईओ यी को बोलता है कि मुझे बैग दो, मैं सारा सामान रखता हूँ उसके अंदर। तो यी बोलता है नहीं नहीं तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। तभी दिखाते हैं कि वो जो फेमस सेलिब्रिटी रहती है वो भी लोकेशन पर पहुंच गई है, और यी उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। यी को नहीं पता है कि ये उसी की कजन है। ये फेमस स्टार सेलिब्रिटी जो है वो सोचती है कि यी की माँ बहुत साल पहले घर से भाग गई थी और ये उन्हीं का बेटा होगा, और मेरे जो ग्रैंडफादर है वो यी को बहुत मिस करते हैं, तो मुझे किसी तरह यी को घर वापस ले जाने के लिए कोई ट्रिक सोचनी चाहिए। दूसरी तरफ रूरू सोचता है कि रीयूनियन भी होने वाला है, और सीईओ भी सोचता है कि रीयूनियन होने वाला है, कैसा होगा रीयूनियन। दूसरी तरफ वाई वाई को किसी का कॉल आ रहा होता है, और वाई वाई बार बार फोन को रख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या करे, क्योंकि फोन बार बार बज रहा होता है। आखिरकार वो फोन उठाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे बार बार फोन करना बंद करो। तभी उसे लगता है कि सीईओ के मैनेजर का फोन आया है, और वो तुरंत बोलती है अरे मैनेजर आपका फोन था, मुझे पता नहीं था, क्या बात है, क्या कोई पार्टी में जाना है, ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगी।
दूसरी तरफ ये अपने रूममेट के साथ एक कमरे में होता है, जहां वो देखता है कि उसका रूममेट जो है वो अपने फेस को बहुत ही तारीफ कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे फेस मास्क लगाना है, मेरे फेस पे कोई क्रैक नहीं आना चाहिए, मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, आखिरकार मुझे क्रू में अच्छा दिखना है, और वो अजीब अजीब से पोजेस बनाता है। ये को लगता है कि आखिरकार ये कैसा रूममेट है। दूसरी तरफ मोमो को दिखाते हैं, वो अपने मिस्टर ली से यानी उसके ग्रैंडफादर से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैंने इस सीरीज के लिए स्पेस ट्रेवल के सारे एक्टर और एक्ट्रेस का बैकग्राउंड चेक किया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोमो बोलता है कि मैं तुम्हारा मुंह देख के ही बता सकता हूँ कि तुम और भी ज्यादा जानना चाहते हो इसके बारे में कि अंदर कौन कौन लोग काम करने वाले हैं करके। तो बूढ़ा आदमी बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मोमो बोलता है कि जो इस सीरीज की फीमेल लीड है वो है ही फैमिली की डॉटर, और यदि वो ठीक से बिहेव नहीं करेगी तो उसे कोई ना कोई यहाँ पर सिखाने के लिए तो मिल ही जाएगा। जो हमारी फीमेल सेलिब्रिटी बहुत ही फेमस है उसका नाम लिंग वाई है। तो जो बूढ़ा आदमी वो सोचता है कि इस क्रू के अंदर लिंग वाई भी है क्या। तो मोमो बोलता है कि हाँ आपकी जो गॉडेस है ना, आपकी जो फेवरेट हीरोइन है वो भी इस क्रू में है, तो क्या आप इस सीरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और वो अपने मन में सोचता है कि अरे मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये की तो जो प्रैक्टिस है वो ट्रेनिंग चालू हो रखी है, और अब वो रॉकेट में बैठता है और उसे बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस फील होती है। और जब वो रॉकेट में बैठता है तो उसके साथ में जो उसका पार्टनर है वो भी रॉकेट में बैठता है, और दोनों बाद में निकल के खूब सारी उल्टी करते हैं। अभी जो हमारी फेमस स्टार है वो जब ये इनको देखती है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो बोलती है कि भाई रुक जाओ ऐसा मत करो करके, बहुत हुआ आज के लिए। इन दोनों लड़कों की तो हालत खराब हो जाती है, तभी ये बोलता है कि हमें कैंटीन जाना चाहिए। तभी उसका जो साथ में काम करने वाला पार्टनर है वो बोलता है कि उसको तो उल्टी करने का मन कर रहा है, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने कमरे में जाएंगे पहले। दूसरी तरफ जो हमारी फेमस सेलिब्रिटी है वो सोच रही होती है कि ये लोग कितने डिसअपॉइंट है, इनसे कुछ नहीं होता। और जो यी है उसका तो आईक्यू भी कम है, उसे उल्टी भी आती है, उसे मोशन सिकनेस भी है, उसके लंग्स भी कमजोर हैं। अब सीन बदल जाता है जहाँ पर रीयूनियन वाली पार्टी होने वाली थी। यहाँ पर सीईओ मिस वाई के साथ आते हैं जो कि उनकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रही होती है। सीईओ सोचता है कि इन लोगों ने कहा था कि फैमिली का रीयूनियन है तो इतने सारे लोग क्यों हैं जो कि बाहर के हैं। और वो देखता है कि उसके दादाजी भी बैठे हुए हैं वहां पर, और तभी उसके दादाजी बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये मिस्टर क्वीन है। और मिस्टर क्वीन सीईओ को हाथ लगाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं कि हाँ ठीक है इनका रिश्ता मेरी लड़की के साथ अच्छा होगा करके। और तभी क्वीन बोलती है कि आप क्या कह रहे हैं दादाजी, आप थोड़ा सा शांत रहिए। दूसरी तरफ जो मिस वाई आई है गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करके सीईओ के साथ, वो सोचती है कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या इस लड़की को दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं सीईओ के साथ आई हूँ तो ये इतना खुश क्यों हो रही है करके। तभी मिस क्वीन बोलती है कि सीईओ तुम मेरे साथ आओ मेरे रेस्ट रूम में, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ठंडी सी महसूस हो रही है, मुझे अपना शॉल ढूंढना है। तभी ये देखती है मिस वाई देखती है कि जो मिस क्वीन है और सीईओ है वो अब दूसरे कमरे की तरफ आगे जा रहे हैं। और ये सोच के वाई को बहुत ही गुस्सा आता है कि कैसे कोई उससे ये सीईओ को छीन सकता है। तभी जो क्वीन है वो अपने कमरे में जाती है और अपने सैंडल्स वगैरह उतार के इधर उधर फेंकने लगती है। मिस क्वीन अपने कुछ कपड़े भी निकाल के फेंकती है और अपने सैंडल्स भी फेंक देती है और बोलती है, तभी सीईओ बोलता है कि मिस क्वीन आप थोड़ा बिहेव करो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तो मिस क्वीन बोलती है कि ये सारी चीजें जो है मुझे बहुत सफोकेट कर रही हैं करके, तो ब्रो तुम कहीं और देखो यदि तुम्हें तकलीफ है तो। तभी ये लड़की बोलती है कि ब्रो ये मैं हूँ डॉगी क्वीन। तभी सीओ को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो पूछता है कि यदि तुम ये हो तो तुमने अपना जेंडर कब चेंज करा दिया, तुम तो लड़के थे अब तुम लड़की कैसे हो गए। अभी सीओ बहुत शॉक में आ जाता है। तभी क्वीन बताती है कि तुम किस सर्जरी की बात कर रहे हो, मैंने कोई सर्जरी वर्जरी नहीं कराई है, मैं तो पहले से ही लड़की थी, तुम ही मुझे लड़का समझ रहे थे। सीओ बोलता है कि मुझे अभी भी याद है कि तुम पहले बचपन में टकले दिखते थे और साथ में तुम बहुत मोटे भी थे। तभी क्वीन बताती है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो टकले हो गए थे और मेरे जो फादर थे वो भी टकले हो गए थे, तो मेरी मम्मी को लगता था कि मैं भी टकली हो जाऊंगी एक दिन, तो वो बार बार मेरे सिर के बाल काटती रहती थी जिससे कि मेरे बाल अच्छे से घने ग्रो हो करके। तो बेसिकली मैं पहले भी लड़की थी, अभी भी लड़की ही हूँ और आगे भी मैं लड़की ही रहूंगी। तो सीईओ सोचता है कि ऐसा तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम लड़की हो लड़के की जगह।
तभी लड़की बोलती है कि मैं जब फॉरेन में थी तो मैंने आर्ट स्किल भी सीखा था, मैं फाइट कर सकती हूँ, और तुम मुझे बताओ कि जिंग कहाँ पर है, मैं उससे फाइट करना चाहती हूँ। तो सीओ पूछता है कि तुम फॉरेन से यहाँ पर जो आई हो वो इसलिए आई हो क्योंकि तुमको जिंग से फाइट करना है करके। तभी क्वीन बोलती है कि नहीं, मुझे पता है कि हमारे घर वाले हमारी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, मेरा कोई इंटरेस्ट तुम में है नहीं, तो तुम्हें कोई चिंता करने की खास जरूरत नहीं है। तो सीओ बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं अपने ग्रैंडफादर को शादी कैंसिल करने के लिए बोल दूंगा करके। मिस क्वीन बोलती है कि हमारा जो रिश्ता है वो इसलिए होना चाहता था क्योंकि हमारे बिजनेस में इससे प्रॉफिट होगा करके। तभी सीओ सोचता है कि वो किसी भी तरह यी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करने देना चाहता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बहुत सारी शॉपिंग बैग्स रखे होते हैं, और वहां पर मैनेजर खड़ा होता है और वो बोलता है कि मिस वाई, आप जल्दी से शॉपिंग कर लो और उसके बाद मुझे आपको घर भी ड्रॉप करने जाना है। तभी वाई वाई का ध्यान जाता है कि उसने अभी अभी मिस क्वीन को देखा था जो कि सडनली आई थी, तो उसका क्या रिलेशनशिप होगा, लेकिन फिर भी वो फटाफट शॉपिंग करती है और सारा सामान ले लेती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ट्रेनिंग बेस में कैसे क्या ट्रेनिंग हो रही है। वहां पर यी अभी भी उल्टियां कर रहा होता है, और वो जो हमारी फेमस एक्ट्रेस है जो यी की कजन है वो भी देख रही होती है, और ये दोनों लड़के अभी भी उल्टी करके एकदम थके मांदे होके एक जगह पे पड़े होते हैं।